तो गाइस वेलकम टू अ न्यू चैनल और आज हम अपने चैनल पे खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो माइनक्राफ्ट भाई बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गेम रही थी 2019 में और ये बहुत हिट गेम रही थी और आज हम इस गेम को खेलने वाले हैं। तो इस गेम में भाई होता क्या है, एक बंदा होता है जो कि एक जंगल में होता है बहुत बड़े और उसे हमें सर्वाइव करना होता है। अपना माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड क्रिएट न्यू वर्ल्ड और अपने वर्ल्ड का नाम होने वाला है भाई बुलंदशहर का गेमर। तो गाइस अपने वर्ल्ड का नाम डल चुका है और हम ये सारी सेटिंग करने वाले हैं और चंक्स थोड़ी बढ़ा लेते हैं। तो क्रिएट करते हैं। Meanwhile, तो गाइस अपना वर्ल्ड स्टार्ट हो गया है और देखिए कितना बड़ा वर्ल्ड मिला है हमें। तो हम एक जंगल में के पास पहुंच हुए हैं। तो हमें सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले वुड चाहिए, तो हमें ट्री के पास जाकर ट्री पे होल्ड करना है, उससे हमें मिल जाएगा एक वुड के लॉग। तो हमें ऐसे ही करना है। तो गाइस देखिए हमारे पास 5 वुड के ब्लॉक आ गए हैं। तो हमें जो साइड में 3 डॉट आ रहे हैं उन पे क्लिक करना है। तो हमारे पास अभी हमारी इन्वेंट्री खुल जाएगी और हमें बना ले हैं साइड में जो 5 वुड प्लैंक्स आ रहे हैं हमें वो बना लेने हैं। और अगर हमारे पास वुड प्लैंक्स आ जाते हैं हम क्राफ्टिंग टेबल बना सकते हैं और क्राफ्टिंग टेबल एक ऐसी चीज़ है जिससे हम टूल्स वगैरह सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं और क्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये रखी हमने क्राफ्टिंग टेबल और अभी हमें रात जैसी हो जाएगी वैसी ज़ॉम्बीज आ जाएंगे हमको मारने के लिए। तो हमें उनसे सर्वाइव करने के लिए एक छोटा घर चाहिए होगा और उस घर को बनाने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए होंगे। तो वो टूल्स बनाने के लिए हमें स्टिक चाहिए, तो स्टिक भी बना लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ टूल्स आ गए हैं। तो मैं सबसे पहले एक पिकैक्स और एक शॉवल बना लेता हूँ। तो मेरे पास एक पिकैक्स और एक शॉवल आ गई है। तो गाइस मैं अपना घर यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो हमें सबसे पहले घर बनाने के लिए इसमें खुदाई करनी पड़ेगी, तो जल्दी से खुदाई कर लेते हैं थोड़ी सी। तो अभी मैं ज़्यादा बड़ा घर नहीं बनाने वाला, बाद में जाके इसको बड़ा बना दूंगा, पर अभी मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतना बना लेता हूँ। और जल्दी ही रात हो जाएगी, तो रात से बचने के लिए मेरे को एक बेड भी चाहिए होगा। तो देखिए यहाँ से खुल गया है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और ये स्टोन है इसको मैं खोद लेता हूँ अपनी पिकैक्स से। तो स्टोन खोदे आते हैं पिकैक्स से और शॉवल से डर्ट सैंड और ग्रेवल वगैरह ये सारी चीज़ें खोद सकते हैं हम। तो भाई अपनी क्राफ्टिंग टेबल के पास चलते हैं जल्दी से और इसको कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्राफ्टिंग टेबल आ गई है, इसे अपने घर में ही लगाएंगे, बाद में जाकर हम वहाँ बनाएंगे जो बनाना होगा हमें। तो क्राफ्टिंग टेबल भी हमारे पास अभी आ गई है। तो हमें और ज़्यादा वुड भी चाहिए होगी, तो वुड काटने के लिए हमें एक एक्स बनानी पड़ेगी। तो ये रही एक्स, तो हमारे पास एक्स भी आ गई है और हम थोड़ी सी वुड ले लेते हैं। जब तक ये वुड कट रही है आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो भाई अगर आपने अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कर लो। तो गाइस हमारे पास वुड आ गई है, तो अब हम घर में चलते हैं और हमें खाना भी चाहिए होगा। देखिए सामने एक पिक घूम रहा है, तो हम इस पिक को मार देते हैं खाने के लिए। तो भाई ये गेम है तो हम मार सकते हैं, रियल लाइफ में तो मार नहीं रहे हैं। तो देखिए हमारे पास के मीट आ गए हैं, रॉ मीट। तो हमें और खाना भी ढूंढना पड़ेगा रात होने से पहले, पर उससे पहले हम थोड़ी सी घर में चले जाते हैं अपने और घर में जा कुछ चीज़ें बनाते हैं।
देखिए मेरे को स्टोन भी चाहिए होगा और कोयला वगैरह भी सब कुछ चाहिए होगा। इसमें आप बहुत माइनिंग भी करनी पड़ती है हमें, ताकि हमें सामान मिल सकें और जो एलिमेंट्स हैं वो मिल सकें, ताकि हम जी सकें। देखिए वहाँ पे एक डॉग घूम रहा है, ये देखिए एक डॉग। तो गाइस हमें एक केव ढूंढनी पड़ेगी जल्दी से, ताकि हम कुछ एलिमेंट्स ढूंढ सकें जीने के लिए। जैसे कि हमें कोल वगैरह बहुत कुछ चाहिए होगा, उससे पहले हमें केव ढूंढ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक केव लगती है मेरे को होगी। देखिए हमें कोयला तो मिल गया है, पर हमें और चीज़ें भी ढूंढनी पड़ेंगी अभी। ये बहुत गहरी केव लग रही है मेरे को। तो यहाँ से मैं स्टोन वगैरह, तो गाइस हमें पहले तो स्टोन और यहाँ से कोयला वगैरह सब मैं निकाल लेता हूँ जल्दी से, रात होने से पहले ही सब निकाल लेता हूँ। मुझे लग रहा है इसमें बहुत जल्दी रात हो जाती है, अभी देखिए कुछ मिनट्स में ही रात हो जाएगी। देखिए आस पास डॉग घूम रहा है, कोई मुझे आवाज़ तो आई थी, अब वो पता नहीं है पर कहाँ घूम रहा है, पर कहीं तो घूम रहा है। तो हम यहाँ से कोयला भी इकट्ठा कर लेते हैं अपना, हमें क्योंकि कोयले की ज़रूरत पड़ेगी, अभी बताऊँगा कैसे। तो गाइस हमारे पास थोड़े बहुत कोल तो हो गए हैं, अभी बाकी बाद के लिए छोड़ देते हैं और अभी अपने घर पे चलते हैं रात होने से पहले। तो गाइस अपना घर यहीं कहीं था, देखिए वो रात ना कर, तो अंदर चलते हैं जल्दी से। और अब हमारे पास कोयला आ चुका है, तो हमें अगर टॉर्चेस बनानी होंगी तो हमें स्टिक को नीचे रखना है और कोयले को ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगी टॉर्च। अभी मैं बताऊंगा टॉर्च से हम कितना उजाला कर सकते हैं। मैं अपने घर में एक लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बाद में जाके जल्दी ही रात हो जाएगी और रात के वक्त ज़ॉम्बी आएंगे, तो हम उनसे बचने के लिए एक छोटी सी अपनी एक गुफा टाइप की कुछ बना रहे हैं। जल्दी से मैं खोल लेता हूँ। देखिए एक छोटी सी केव बन गई है यहाँ पे अब, और देखिए मेरे घर के पास में ही कोयला निकल गया है। तो देखिए जैसे मेरी ये इन्वेंट्री है ये भरती जा रही है धीरे धीरे करके, तो हमें इसको कम करने के लिए अपनी एक चेस्ट बनानी होगी। अब चेस्ट क्या है वो मतलब हिंदी में हम उसे तिजोरी बोलते हैं, तो हमें तिजोरी बनानी होगी। तो हमें तिजोरी बनाने हैं, और हमें तिजोरी बनाने के लिए अपने प्लैंक्स को चारों ओर रख देना है। देखिए हमारे पास चेस्ट आ गया है, तो हम इसको यहाँ पर रख देते हैं, और यहाँ पे मैं अपना सारा वैल्यूएबल स्टफ रख देता हूँ, जिसकी कोल हो गया, लकड़ी वगैरह, नहीं लकड़ी को रहने देते हैं, और अपने टूल्स वगैरह ये सब रहने देता हूँ। तो देखिए जल्दी ही रात हो जाएगी अब यहाँ पे। तो गाइस देखिए यहाँ पे एक शीप मर गई है, वो पता नहीं मेरे को कैसे मरी, पर यहाँ पे एक शीप मरी थी। देखिए मुझे उसका मीट मिल गया है। तो गाइस मैं अभी और वुड ले लेता हूँ, वुड बहुत काम की चीज़ है इस गेम में। अगर हमारे पास वुड नहीं होगी हम कोई चीज़ बेसिकली क्राफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें वुड चाहिए होगी काफ़ी सारी। देखिए शाम होनी शुरू हो गई, अब जल्दी ही रात हो जाएगी, इसलिए मैंने सारे सामान इकट्ठा करे रात से बचने के लिए। और मुझे खाना वगैरह भी सब कुछ ढूंढना पड़ेगा धीरे धीरे करके, मैं अपने घर में चला जाता हूँ यार पहले तो, नहीं तो यार हमें ज़ॉम्बीज वगैरह के सब लोग मार जाएंगे फालतू में, इसमें हमारी फालतू की डेथ हो जाएगी पहली। तो मैंने देखिए ब्लॉक कर दिया है रास्ता घर में आने का, और देखिए रात हो रही है, तारे भी दिख रहे हैं हमें। और गाइस हमें एक खाना बनाने के लिए एक फर्नेस चाहिए होगी, मतलब एक भट्टी जिसमें हम खाना पका सकें। तो भट्टी बनाने के लिए भी बिल्कुल जैसे चेस्ट की रेसिपी होती है वैसे ही है, तो हमें मिल जाएगी एक फर्नेस, और फर्नेस को मैं चेस्ट के पास ही रख देता हूँ यहाँ पे। देखिए हमारी फर्नेस, इसमें खाना पका सकता हूँ। तो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही, मुझे पता है बहुत ज़्यादा छोटी वीडियो है, मैंने कुछ किया नहीं है, पर फिर भी आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।